ये हम आज सीखेंगे इब्रानियों में से, सब इब्रानियों खोलें, अध्याय 10। इसमें यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के बारे में, उद्धारकर्ता के बारे में लिखा है, और वो महायाजक है उसके बारे में लिखा है। उसको उद्धारकर्ता के रूप में बताया गया है, महायाजक के रूप में बताया गया है, और ये बाइबल में है और परमेश्वर का वचन है। हम 32 सीखेंगे और आज का टॉपिक वापस नहीं मुड़ना। अब कहां से वापस नहीं मुड़ना वो मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि वापस नहीं मुड़ना। आइए आगे पढ़ते हैं 32 से। 32 में कहता है, परंतु उन दिनों का स्मरण करो जब तुम ज्योति प्राप्त करने के पश्चात घोर कष्टों के संघर्ष में स्थिर रहे थे। अब जो वहां के लोग हैं उनको वो बोल रहा है कि जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, ज्योति प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसके बाद क्या आया, तुम्हारे ऊपर संघर्ष आए, कष्ट आए। हम बोलते हैं प्रभु मैं आ जाओ सब ठीक हो जाएगा, क्या कहते हो आप, होता है क्या? ये तो सिर्फ ये खुद ही बोल रहा है प्रभु का वचन कि जब तुमने यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया, उसकी ज्योति को पा लिया, और फिर क्या हो गया, तुम्हारे ऊपर घोर कष्ट आए, संघर्ष आए, लेकिन तुम क्या रहे, स्थिर खड़े रहे। अभी उनके बारे में उनकी तारीफ कर रहा है। हम 33 में देखते हैं कौन कौन से कष्ट आए उनके ऊपर। कभी कभी तो तुम निंदा और कलेश के द्वारा लोगों के सम्मुख तमाशा बने, और कभी जो सताए गए थे उनके साथ भागीदारी बने। कैसे कष्ट आ रहे हैं उनके ऊपर, कलेश के तमाशा बन गए, मजाक उड़ाया गया, सताए गए, और सताने वालों के साथ भी भागीदारी हुए। 34 में क्या कहता है, क्योंकि तुमने बंदियों के साथ सहानुभूति दिखाई और अपनी संपत्ति के जब्त किए जाने को ये जानकर सहर्षा से स्वीकार किया कि तुम्हारे पास और भी अधिक उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति है। अब उन्हें कष्ट गिना रहा है उनके, और वो कह रहा है जैसे ही तुमने यीशु मसीह को प्राप्त किया तुमने क्या किया, तुम्हारे ऊपर कष्ट आए। कैसे कैसे कष्ट आए, तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारा तमाशा बनाया, सताया गया, पीटा गया, बल्कि तुम्हारे घर को छीन लिया गया, तुम्हारी संपत्ति को छीन लिया गया, तुम्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन पहले में ही कहता है कि तुम स्थिर खड़े रहे। तो हम ये जान ले कि भैया यीशु मसीह में रहना आसान काम नहीं है, यीशु मसीह में बने रहना बिल्कुल आसान नहीं है। हमें लगता है कि हम आएंगे चर जाएंगे, प्रार्थना में आ जाएंगे, सब चीज सही रहेगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि कष्ट आएंगे। और उन्होंने प्राप्त किया, उसे जान लिया, और कष्ट आने चालू हो गए। लेकिन आगे बताता है कि कैसे कैसे कष्ट सहे, लेकिन फिर क्या बोलता है कि तुमने इन सारी चीजों को, जो सारी चीज कष्ट, जो तुम्हारे छीना गया, तुम्हारा मजाक उड़ाया गया, सब चीज तुमने कैसे सहली, सहर्षा से, खुशी से सहली, और उसे स्वीकार कर लिया कि जो भी होगा मेरे पास अनंत जीवन के लिए, अनंत संपत्ति जो कि परमेश्वर मुझे देने वाला है, उसकी आशा को रखते हुए तुम इन सब चीजों से निकल गए। हम किस बात को सोचते हैं जब हम कष्टों में आ जाते हैं? आप सबसे ज्यादा किस चीज को सोचते हैं जब आपके ऊपर सताव होता है, या कष्ट आ जाता है, या फिर कुछ दुविधा आ जाती है, कुछ परेशानी आ जाती है, कुछ बीमारी आ जाती है, हम क्या सोचते हैं बताएं, सोचें, जानें। हम इस चीज को खुशी से स्वीकार कर लेते हैं क्या? क्यों नहीं करते? इन लोगों ने तो कर लिया सहर्षा से, ये भी इंसान ही थे, ऊपर से आए नहीं थे। हम किस चीज को ज्यादा सोचते हैं हमेशा कि अब परेशानी आ गई, और सबसे ज्यादा हम किस चीज को सोचते हैं, अब मैं चर्च नहीं आऊं, चर्च जाने से ही आ रहा है। ऐसे बहुत से लोग देखे, कुछ भी हो गया चर्च आना बंद हो गया। इन्होंने क्या कहा कि तुम जो बंदी बनाए गए थे उनके साथ बंदी बने, उनके भागीदारी बने, उनके सहभागी बने, उनके साथ रहे, लेकिन यार चर्च छूट जाता है। कहीं का गुस्सा चर्च पे आ जाता है, कहीं का गुस्सा प्रभु पे आ जाता है कि प्रभु ने ऐसा कर दिया। ये क्या कह रहा है कि जैसे तुमने किसको स्वीकार किया, यीशु मसीह को, तुमने घोर कष्टों का संघर्ष में
तुमने घोर कष्ट तुम्हारे ऊपर आ गए, संघर्ष आ गए, लेकिन तुमने क्या किया, स्थिरता से तुम खड़े रहे। क्या लगता है हमें, हम किस बारे में सोच रहे होते हैं ज्यादा? हम सोचे अपने आप को, हम जवाब दे कि हम खुशी से उसको सह लेते हैं कि ये सोचकर कि परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्ग में इससे भी अच्छा धन रखा हुआ है, ये सोचकर कि यीशु मसीह मुझे लेने आएगा, ये तो कुछ समय की बात है लेकिन वो तो चिरस्थाई है, इटर्नल है, कभी खत्म नहीं होगा, ये सोचकर हम स्वीकार करते हैं या नहीं? हम जाने, हम समझे इस बात को, और इस बात से हम क्या सीखते हैं? घोर कष्टों में स्थिर रहे लोगों की तरह, इब्रानियों में जैसे लोगों ने खड़े रहे वो कष्टों में, घोर कष्ट, छोटे मोटे कष्ट नहीं, घोर कष्टों में हमें स्थिर रहना है। और क्या आशा रखनी है, क्या आशा रखनी है? कि यीशु मसीह आएगा और ये कष्ट तो उस समय के हैं, लेकिन हमें अनंत काल के लिए कौन लेके जाएगा? प्रभु लेके जाएगा। हमारा प्रतिफल क्या है? आगे है, वो परमेश्वर हमें देगा। इन चीजों को याद करते हुए घोर कष्टों को भी सहले। 35 में क्या कहता है? इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, मेरे इसमें लिखा है भरोसा ना छोड़ो। अब दोनों में अंतर है ना, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लिखा है, हियाव लिखा है, लेकिन दोनों में अंतर है। भरोसे का मतलब क्या है? भरोसा करना किसी चीज की विश्वसनीयता को देखकर कि हाँ ये सच्चा है, उसकी सच्चाई को जानना, उसकी क्षमता को जानना, उसके अंदर कितनी पावर है, ताकत है, और फिर उस पर विश्वास करना, ये भरोसे का मतलब है, इसका अर्थ है। लेकिन हियाव का, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? दृढ़ रहना खतरों में, कठिनाइयों में, डर में, उसका सामना करना मानसिक रीति से, नैतिक रीति से। हमें ये क्या देता है? हियाव हमें शक्ति देता है ताकि हम इन संघर्षों में, घोर कष्टों में खड़े रहें। या कॉन्फिडेंस तो हमें मानसिक रीति से तैयार करता है, नीतिक रीति से तैयार करता है, शक्ति देता है ताकि हम भय में, कठिनाइयों में इनका सामना कर सकें, खतरों में सामना कर सकें, और दृढ़ता से हमारे अंदर से निकल के आता है कि नहीं, क्योंकि मैं यीशु मसीह की सच्चाई को जानता हूं, यीशु मसीह की विश्वसनीयता को जानता हूं, यीशु मसीह कितना पावरफुल है मैं ये जानता हूं, यीशु मसीह स्वर्ग में रहता है मैं ये जानता हूं, यीशु मसीह जो भार था वो मेरे अंदर रहता है मैं ये जानता हूं, और फिर मैं हियाव रखता हूं कि मैं हटूंगा नहीं इधर से। क्या हम रखते हैं हियाव? मैं आपको उदाहरण देता हूं, यहोशू को जानते हैं बाइबल में? मूसा मर गया, मूसा के बाद कौन, परमेश्वर ने किसको खड़ा किया? यहोशू को खड़ा किया। यहोशू को क्यों खड़ा किया? वो विश्वासी था, दृढ़ रहता था, उसका चेला था, उसके साथ। जब मूसा प्रार्थना करके तंबू से निकल जाता तब भी वो वहां बैठा रहता था कि प्रभु आप मुझसे बात करें जैसे तूने मूसा से बात करी है। मूसा अब नहीं आया, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, क्या कहता है? यहोशू तू दृढ़ हो जा, हियाव रख, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वो वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। मूसा के जो तूने, उसने जो आज्ञा लिखी है, व्यवस्था लिखी है, तू उसको पालन कर, तू उससे दाहिने ना मुड़ना, बाईने ना मुड़ना, बल्कि सीधा सीधा चलना, मैं तेरे साथ रहूंगा। हियाव रखना, फिर कहता है कि तू हियाव रख, भय क्यों खा रहा है? तू हियाव रख, मैं तेरे साथ हूं। यहोशू ने हियाव रखा, मैं जंग में लड़ने गया हूं, तैयारी है, ढाल है, शील्ड पहन रखी है, मुकुट पहन रखा है, जूते हैं, सब चीज है, तलवार है, दुश्मन को देखकर भाग गया, जंग पूरी कर ली मैंने, शायद कर ली हो, क्या लगता है बहनों, कर ली? मेरे पास सब चीज तो है ना, मुकुट भी है, तलवार भी है भैया, सब चीज, नी पैड भी लगा लिए, अब तो जूते भी अच्छे हैं, फटेंगे नहीं जल्दी। दुश्मन को देखा, घर आ गया वापस, जहां से शुरू किया था, जहां से मैंने यीशु मसीह को जाना था, वहीं पर दोबारा आ गया। किसको देखकर? सिर्फ दुश्मन को देखकर। जंग पूरी लड़ी? नहीं लड़ी। हम अपनी जंग बीच में ना छोड़े, याब रखना है। याब रख के आप पूरी जंग लड़ोगे या नहीं, वो कह रहा है कि तुम बीच में मत छोड़ो अपनी
जंग को थामे रहो, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही कहा कि जो मेरा शिष्य बनना चाहता है, जो मेरा चेला बनना चाहता है, अपना क्रूस उठा ले और अपने आप का त्याग कर दे। जब हम क्रूस उठा ही रहे हैं तो यीशु मसीह कह रहा है भैया संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, अपने आप को मारना कूटना पड़ेगा जब तुम उसको पालन कर पाओगे। यीशु मसीह का पालन करना इजी नहीं है, वो बहुत ऊपर है, स्टैंडर्ड हाई है। वो कहता है कि तुमने लड़की को गलत नजरों से देख लिया, मन में सोच लिया, तुमने पाप कर दिया। हम नहीं पढ़ते कहीं भी ऐसी बातें, हम नहीं समझ पाते कि प्रभु ने ये कैसे किया, कैसे क्यों कहा, हम नहीं जान पाते बहुत बातें, लेकिन उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। हम याद रखें क्योंकि यीशु मसीह का पालन करना आसान नहीं है। यीशु मसीह का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, दुनिया से अलग है। हम देखें हमारी जंग है, हम तैयार हैं क्योंकि प्रभु हमें तैयार कर रहा है और हम ऑलरेडी जंग में हैं। हम जंग लड़ रहे हैं और हमें प्रभु तैयार कर रहा है आगे के समय के लिए भी। हम याब ना छोड़े क्योंकि उसका प्रतिफल महान है। याब और किस किस ने याब रखा, हम पुराने नियम में देखें, यहोशू के बारे में हमने बात कर ली, मूसा के बारे में, मिस्र से भागकर दोबारा भेड़ बकरियां चरा रहा था, खुशी खुश था, उसका परिवार था, लेकिन प्रभु ने आवाज दे ली तुझे फिर से मिस्र में जाना है, यहूदियों को बाहर निकाल के लाना है। मूसा ने याब रखा, यहूदियों को वापस ले आया। किसने भेजा है? मैं हूं ने भेजा है, परमेश्वर ने भेजा है। मूसा ने याब रखा, दानियल ने याब रखा, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, दिन में 3 बार प्रार्थना करने आया, लोगों ने उसे गुफा में डाल दिया, प्रार्थना करता रहा। याब रखा क्योंकि परमेश्वर है, क्योंकि वो जानता था कि भैया उसकी शक्ति ये शेर वेर कुछ नहीं है, क्योंकि वो जानता है उसकी ताकत इन शेरों से ज्यादा है, क्योंकि वो जानता है कि इन शेरों को बनाने वाला कौन है, मेरा परमेश्वर है। वो जानता था, याब नहीं छोड़ा, लगा रहा, है ना। याब तो उसके दोस्तों ने भी रखा, वो कहता है कि राजा मेरे सामने दंडवत करो, कहता नहीं करेंगे, चाहे तो हमें आग की भट्टी में डाल दे, डाल दिया नहीं जले। याब रखा क्यों, राजा से बढ़कर कौन है, परमेश्वर है। हमने सीखा था पास्टर सोनू जब हमें सिखा रहे थे कि तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगी, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, तू महान है कि परमेश्वर महान है। याब रखा, दाऊद ने याब रखा, है ना, भेड़ बकरी चराने वाला एक छोटा सा लड़का, उसका अभिषेक कर दिया शमूएल ने, याब रखा, आगे बढ़कर गोलियात से लड़ा, याब रखा कि कैसे ये मेरे परमेश्वर को गाली दे सकता है, ये जानता नहीं मेरा परमेश्वर कौन है। याब रखा, हम याब ना छोड़े, इसलिए अपना याब ना छोड़ो, महान प्रतिफल है। 36 में कहता है क्योंकि तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है कि तुम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करके जिस बात की प्रतिज्ञा की गई थी उसे प्राप्त कर सको। अब वो कह रहा है कि तुम्हें धीरज की भी आवश्यकता है, भैया धीरज भी चाहिए। वो धीरज की इसलिए बोल रहा है क्योंकि 32, 33, 34 में उन्होंने बताया कि तुम किस तरह से अपने पापों में उन संघर्षों में खड़े रहे, दृढ़ खड़े रहे और कष्टों में स्थिर रहे, सारी बातें में तुम स्थिर रहे, तुम कैद में चले गए, जेल में चले गए, इन सब में तुम खड़े रहे, तुम्हारे घर चले गए, तुम्हारी संपत्ति चली गई, तुम खड़े रहे, लेकिन ये समय भी, ये समय जो हम जी रहे हैं, ये समय भी तुम्हें आवश्यकता है धीरज की। ये आप रखना है, धीरज रखना है कि तुम ये समय भी पार कर लो, वो समय भी जैसे तुमने पार किया। वो कह रहा है अब ये समय जो तुम्हारा निराशा का, इस समय को भी तुम पार कर लोगे, लेकिन तुम्हें किसकी आवश्यकता है, धीरज की। याब रख लो, जान लो कि परमेश्वर कौन है, और बस धीरज रख लो, तुम पार कर लोगे। क्यों पार कर लोगे? क्योंकि इसका प्रतिफल क्या है, महान है। हम धीरज रख रहे हैं, हमने परमेश्वर को जान लिया, यीशु मसीह को जान लिया,
लेकिन क्या हम अब भी धीरज रख रहे हैं कि प्रभु है, प्रभु मेरे संघर्षों में है? और दूसरी बात हम क्या सीखते हैं इससे, धीरज के साथ हियाब को थामे रहें, धीरज रखें और अंदर ये रखें कि परमेश्वर है मेरे इन संघर्षों में, परमेश्वर है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि परमेश्वर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि परमेश्वर है या नहीं, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि भैया ये काम में क्यों बार बार मैं गिरता जा रहा हूं, लेकिन परमेश्वर है, हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन वो अपना काम कर रहा है। हम धीरज रखें उसके काम को देखने के लिए। क्या करना है धीरज के साथ, किसको थामे रहना है? अपने हियाब को थामे रहना है, हियाब को थामे रहना है। और हियाब का मतलब हमने देखा कि वो हमें दृढ़ रहने की शक्ति देता है, डर में भय में उसका सामना करने की शक्ति देता है, मानसिक रीति से, नैतिक रीति से, ताकि हम अंदर से उसके लिए खड़े हो जाए। धीरज के साथ ये आपको थामे रहे। हम आगे बढ़ते हैं 37 में क्या कहता है, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में आने वाला आएगा और विलंब नहीं करेगा। यीशु मसीह के बारे में क्या कह रहा है यहां पर, क्योंकि अब वो थोड़ी ही देर में आएगा, आने वाला है और आएगा और वो विलंब नहीं करेगा। कितनी थोड़ी देर में, 10 मिनट में आ जाएगा? क्या कहते हो यीशु मसीह कब आ जाएंगे? कभी भी? वो कह रहे थोड़ी देर में, आप बता दो इंडिया के टाइम से थोड़ी देर कितना होगा? लेकिन इसका मतलब क्या है, ग्रीक में लिखा है मिक्रोस, है ना, इंग्लिश में माइक्रोन बोलते हैं, 0.001%, इतनी जल्दी आ जाएगा यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह आए? 2023 साल तो हो गए, नहीं आए। वो कह रहा है लेकिन भैया वो आ जाएगा, विलंब भी नहीं करेगा। अभी उनको ये बता रहा, तुमने ये कष्ट सहे, धीरज रखो, हियाब रखो, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है और वो विलंब नहीं करेगा, तुरंत आ जाएगा। लेकिन हम कब समझ पाते हैं, जब हम पत्रस पढ़ते हैं ना, वो कहता है कि परमेश्वर के लिए 1000 साल कितने दिन के बराबर है? बस वो भी 2 दिन ही हुए, समझ लो 2000 साल हो गए हम कहते हैं तो, यीशु मसीह को गए, है ना, थोड़ी देर में आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। 38 में कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, परंतु यदि वे पीछे हटे तो मेरे मन को प्रसन्न नहीं करेगा। धर्मी जन, धर्मी जन कौन है? जो उसकी आज्ञा को माने, जिसके पाप का लेखा परमेश्वर ना ले, वो धर्मी जन है। वो आगे कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। ऊपर कह रहा है कि प्रभु जल्दी आ जाएगा, मतलब क्या नहीं छोड़ना है, विश्वास नहीं छोड़ना है, विश्वास रखना है। हमें नहीं पता कब आ जाएगा, कभी भी आ जाए, लेकिन ना भी आए तो हम क्या उसके पास नहीं जाएंगे? अगर हमारे जीते जी वो नहीं आ रहा है तो क्या हम उसके पास नहीं जाएंगे? हमारा कोई इधर, हम सब अमर है, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो हम अनंत काल के जीवन को तो जिएंगे, लेकिन शारीरिक रूप से इस धरती पर तो नहीं रहेंगे। लेकिन वो क्या कह रहा है कि विश्वास से ही जीवित रहेगा, हम विश्वास करें, विश्वास करें। और आगे थोड़े से कठोर शब्द है ना, परंतु यदि वे पीछे हटे तो उनको प्रसन्न नहीं कर सकते। हम देखते हैं चर्च में, कलीसिया में, लोगों को हम जानते हैं, कितने लोग पीछे हट जाते हैं, है ना, चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन हम रोमियो में देखते हैं, पौलुस फिर कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। गलातियों में पढ़ते हैं 3:11 में, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, हम विश्वास से ही उसको प्रसन्न कर सकते हैं, विश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। विश्वास बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि विश्वास उसे प्रसन्न करता है, विश्वास के बिना नामुमकिन है कि हम उसे प्रसन्न कर पाए। और वो यहूदियों को लिख रहा है, वो कहते हैं कि क्योंकि व्यवस्था तो शरीर से पूरी करते हैं ना, रीति रिवाज, कहीं जाना आना, ये चढ़ाना वो करना, ये रखना ये करना, किसके द्वारा होता है? शरीर के द्वारा। वो यहूदियों को लिख रहा है, वो कहता है कि तुम सेल्फ सफिशिएंट तो बन जाओगे, लेकिन विश्वास के बिना तुम प्रभु तक कैसे पहुंचोगे? हम भी बहुत बार ऐसे हो जाते हैं ना,
जा रहे हैं लगातार प्रार्थना में लग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत तगड़ी तरीके से हम बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं दिखता है। बस ये मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन परमेश्वर जो हमारे मनों को जानता है, देखता है, टटोलता है, पहली वचन को जो हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं बातचीत, उनको जांच लेता है, परख लेता है, वो क्या कहता है? विश्वास की कमी है। जान ले, समझ ले, विश्वास कर ले, क्योंकि विश्वास के बिना प्रभु तक नहीं पहुंच सकते। विश्वास के बिना हम अनंत काल कैसे जाएंगे? विश्वास के बिना प्रभु को कैसे प्रसन्न करेंगे? जबकि परमेश्वर तो प्रसन्न सिर्फ विश्वास से होता है, उसकी आज्ञा पालन करने से होता है, बलिदानों से नहीं होता है। हम बहुत काम कर रहे हैं चर्च में आकर, पर विश्वास नहीं है। हम बहुत सेवा कर रहे हैं, हम लोगों की सुधि लेते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। प्रभु कहता है मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हूं। धीरज के साथ चल रहे, प्रभु में चलते रहे, विश्वास में बढ़ो। क्यों कहता है वो ऐसा? 39 में क्या पढ़ते हैं? हम उनमें से नहीं जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं। वो क्या कह रहा है? पहले 38 में बोलते हैं ऊपर, परंतु यदि वे पीछे हटे तो मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या कह रहा है? हम उनमें से नहीं जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं, पर उनमें से हैं जो प्राणों की रक्षा के लिए विश्वास करते हैं, रखते हैं उस पर विश्वास। हम जान ले हम किस में से हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने तो हमें इसीलिए बुलाया कि हम घोर कष्टों में स्थिर रहें, घोर कष्टों में धीरज के साथ याब रखें। किस में से हैं? हम जान ले कि हम उनमें से हैं जो पीछे हटते जा रहे हैं, या उनमें से हैं जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए। हम किस में से हैं? हम जान ले अपने आप को, देख ले। अभी भी हमारे पास समय है कि प्रभु हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम जान ले कि प्रभु अगर मैं नाश हो रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं पीछे हट रहा हूं। अगर मैं पीछे हट रहा हूं, आपको लग रहा होगा मैं लगातार चर्च आ रहा हूं, शायद किसी एक बात में हम पीछे हट रहे हैं प्रभु में, शायद एक बात में हम पीछे हट रहे हैं, शायद हम सारी चीजें तो कर रहे हैं लेकिन ये पाप नहीं छोड़ना चाह रहे, हम इस पाप के लिए पीछे हट रहे हैं प्रभु में। क्या हम उनमें से हैं जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं? कौन नाश हो रहा है जो पीछे हट रहे हैं? प्रभु कह रहा है भैया कठिन समय के लिए ही तो तुम्हें बुलाया है, धरती पर तुम्हें संघर्ष करना है, लगे रहना है, मेरे साथ बने रहना है, तब तुम आनंद प्राप्त करोगे। लेकिन कौन पीछे हट रहा है? नाश होने के लिए। हम नाश हुए जाते हैं अगर हम प्रभु से पीछे हट रहे होते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा होगा कि हम ठीक चल रहे हैं नहीं चल रहे, लेकिन एक समय आता है जब हम समझ जाते हैं कि हम पीछे हट गए। हमें समझ नहीं आता है कि शायद मैं लगातार तो जा रहा हूं पर मेरे मन के अंदर विश्वास नहीं, हम पीछे हट रहे हैं। हमें प्रभु में बने रहना, प्रभु के साथ साथ चलना। प्रभु कहता है हियाब रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे घोर कष्टों में मैं तुम्हारा सहारा हूं, तुम्हारे गिरती हुई दशा में मैं तुम्हारे उठाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी ना समझी में तुम्हें बुद्धि देने वाला, समझदारी देने। हम कहां पीछे हट रहे हैं? हाँ है संघर्ष हमारे जीवन में, है कठिनाइयां, तकलीफ, कर्जे, बच्चों की पढ़ाई, बहुत सारी चीजें हैं, बीमारी, लेकिन क्या इन छोटी छोटी चीजों के लिए हम प्रभु से दूर हट रहे हैं? वो तो हमारा सहारा है लेकिन हम पीछे हट रहे हैं। हम जाने अपने आप को कि हम किस दिशा में, किस जगह पर, किस तरीके से प्रभु से पीछे हट रहे हैं। क्या हम पूरा समर्पण प्रभु को कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो रक्षा वाला शब्द आया है, इंग्लिश में लिखा है सेविंग, उसका मतलब यह है कि पूरी तरीके से परमेश्वर को अधिकार दे देना अपने प्राणों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने तौर तरीके, चाल चलन, आपका रीति
को समझ, जो भी विचारधाराएं हैं उन सबको छोड़कर यीशु मसीह को अपना अधिकार दे देना। क्या हम वो अधिकार परमेश्वर को दे रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहा है कि जो पीछे हट गया वो नाश हो गया, और नाश, और हमने देखे हैं बहुत से लोग जाते हुए देखे हैं, बहुत से लोग चले गए बपतिस्मा के बाद भी चले गए। क्यों चले जाते हैं? या तो प्रभु को उन्होंने जाना नहीं होता अच्छे से, या तो वो परमेश्वर में कभी आए ही नहीं थे, या वो आए थे किसी चीज को लेने के लिए जो उन्हें प्राप्त हो गई चले गए, या वो आए थे चंगाई पाने के लिए। लेकिन प्रभु कह रहा है कि तुम जो इस समय हो कष्टों में स्थिर रहो और याद मत छोड़ो और पीछे मत हटो। एक बार जो रास्ता पकड़ लिया, हमने स्टार्टिंग में देखा था, वापिस नहीं मुड़ना कुछ भी हो जाए, चाहे गिर के चलना पड़े, रगड़ के चलना पड़े, टूट कर चलना पड़े, सीधे चलते जाना है प्रभु। सहारा कौन है? परमेश्वर है। जो पीछे चले गए उनके लिए रोना आता, इन्होंने आपको चखा ही नहीं कि परमेश्वर आप कितने अच्छे हैं, लेकिन कुछ तकलीफों में कुछ बातों में चले गए। प्रभु कहता है एक ही रास्ता है, क्योंकि जो स्वर्ग से आया है वही स्वर्ग ले जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। कुछ भी हो जाए लगे रहो, डटे रहो, प्रभु में बढ़ते रहो। इस महीने जब हम सेलिब्रेट करते हैं, पाम संडे मनाते हैं, उसका स्वागत हो रहा है यरूशलेम में, हम देखते हैं जब पढ़ते हैं बाइबल में, गुड फ्राइडे को उसको क्रूस को मार दिया जाता है, ईस्टर पे वो जिंदा हो जाता है, लेकिन हम इससे गहरी बातों को समझे कि प्रभु का दर्द कितना था उसमें। उसने हियाब नहीं छोड़ा, खुद ने हियाब नहीं छोड़ा, बल्कि गतसमनी में वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु हो सके तो ये परीक्षा मेरे ऊपर से हटा दे, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम याद रखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए सह लिया, वो एक ही रास्ता था हमें बचाने का, सिर्फ क्रूस की मौत, उसका लहू बह जाना ही एकमात्र रास्ता था कि हम उसके द्वारा बचाए जाएं। तो हम भी ये जान ले कि हमें बचना है, उस पर विश्वास कर लो और एक रास्ता पकड़ लो, यीशु मसीह का, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। हम उसकी चीजों को, उसके दर्द को महसूस करें इस महीने, और प्रार्थना संबंध बना ले और रिश्ते को मजबूत कर ले कि प्रभु मैं पीछे ना हट जाऊं, मुझे संभाल, मुझे बचा, मैं गिर जाता हूं लेकिन तू उठा। हम इससे क्या सीखते हैं? विश्वास रखें और पीछे ना हटें। किस पे विश्वास रखें? यीशु मसीह पे। और पीछे ना हटे का क्या कहोगे? यीशु मसीह से पीछे नहीं हटना है, चाहे कष्टों में हो, चाहे सताव में हो। तो हमने क्या क्या सीखा? घोर कष्टों में स्थिर रहे, धीरज के साथ याब को थामे रहें, और विश्वास रखें, पीछे ना हटें। आइए प्रार्थना करते हैं।